अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आमिर और आप देख रहे हैं आमिर महकी चैनल। टू बी इन इंग्लिश, हिंदी और उर्दू में सीखने की इस वीडियो को देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को लाजमी शेयर करें ताकि ये नॉलेज इन तक भी पहुँच सके। यूज़ ऑफ टू बी को हम हमेशा पैसिव वॉइस में यूज़ करते हैं। टू बी को अगर दोस्तों आपने मेरी वीडियो देखी हो, इस टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो भी आपको अच्छी तरह से समझ आ जाएगी। इस वीडियो को देखने से पहले एक दफ़ा वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा। यूज़ ऑफ इस टू, एम टू और आर टू, चैनल में जाके वीडियो सेक्शन में आप ये वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों इस टू एम टू का थोड़ा सा मुख्तसर सा तारुफ कराता चलूँ कि इस टू एम टू आर टू का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब सब्जेक्ट के काम में सब्जेक्ट की मर्ज़ी या इरादे का अमल दखल होता है। मिसाल के तौर पर वो खाना खाने वाला इज़ टू ईट फूड, ही इज़ टू गो स्कूल, वो स्कूल जाने वाला है। इस तरह के जुमले जब हम बात करते हैं तो इज़ टू, एम टू और आर टू का इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे आपके सामने एक एग्जांपल है, ही इज़ टू स्लीप, वो सोने वाला है, मींस उसमें इस सब्जेक्ट का इरादा या मर्जी शामिल है। इन्हीं जुमलों को जब हम पैसिव में चेंज करते हैं तो टू बी का इस्तेमाल किया जाता है। मिसाल के तौर पर अब मैं इसी जुमले को पैसिव में चेंज करके दिखाता हूँ। ही इज़ टू स्लीप, वो सोने वाला है। अगर मैं कहूँ उसे सुलाया जाने वाला है तो ही इज़ टू बी स्लिप्ड। पहली एग्जांपल हमारे पास है, अ स्टूडेंट इज़ टू बी टॉट, स्टूडेंट को पढ़ाया जाने वाला है, स्टूडेंट को पढ़ाया जाने वाला है। A student is to be taught. Next हमारे पास example है, roads are to be prepared, सड़कों की मरम्मत की जाने वाली है। याद रहे passive voice के अंदर object और काम पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, subject हो ना हो वो मायने इतना ज़्यादा मायने नहीं रखता। हमारे पास अब past की एक active voice की example आपके सामने है, was to और were to की। He was to read, ठीक है, वो पढ़ने वाला था। अगर मैं कहूँ उसे पढ़ाया जाने वाला था तो he was to be read, ठीक है। इसी तरीके से एक और एग्जाम्पल एक्टिव वॉइस की आपके सामने, he was to play, वो खेलने वाला था। अगर मैं कहूँ उसे खिलाया जाने वाला था तो he was to be played। तो दोस्तों आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे, कमेंट सेक्शन में जुमले ख़ुद से बना के लिखेंगे, तभी जाके आपकी दिमाग में ये बात बैठेगी। अ सॉन्ग वाज़ टू बी संग बाय आमिर, गाना आमिर के थ्रू, आमिर के ज़रिए गाया जाने वाला था। अगर इससे मैं आमिर हटा दूँ, सब्जेक्ट हटा दूँ, तो वो सिंपल सेंटेंस बनेगा, अ सॉन्ग वाज़ टू बी संग बाय और आमिर हट जाएगा। याद रहे पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म यूज़ की जाती है, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और बाय का इस्तेमाल किया जाता है। फूड वाज टू बी ईटन, खाना खाया जाने वाला था, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल है, आमिर वाज टू बी बीटन, आमिर को मारा जाने वाला था, आमिर वाज टू बी बीटन। हमारे पास लास्ट एग्जांपल है, किड्स वाज टू बी किल्ड, किड्स वाज टू बी किल्ड, बच्चों को मार दिया जाने वाला था या मारे जाने वाले थे बच्चे। दोस्तों आज की ये वीडियो थी, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। इसे लाइक सब्सक्राइब करना और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। आमिर शहजाद की इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।